अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैर से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सरारास किचन एंड ब्लॉग से। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ग्रीन मूंग की दाल की मंगौड़ी की सब्जी। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टीम के साथ ही बनाएंगे सब्जी को, पहले उसको स्टीम करेंगे और स्टीम करने के बाद ही फिर हम इस सब्जी को तैयार करेंगे। तो इसे आप रोटी, चावल और पराठे या किसी भी चपाती वगैरह के साथ इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हरी मूंग की मंगौड़ियाँ बनाना। तो ये एक कप मूंग की दाल है जो हमने भिगोया था, ये सुबह भिगोया था हमने, अब ये शाम हो चुकी है। तो हम इसको धोकर एक मतलब ऐसे 3-4 पानी से धो दिया था, लेकिन फिर भी ये देखिए गर्मी है, सब धूप बहुत तेज निकल रही है। तो हम इसको एक बार फिर धुल कर हम पीस लेते हैं। तो ये हमने इसको वॉश कर लिया है और वॉश करके इसको बस सारा पानी ड्रेन करके हमने खाली मूंग दाल निकाल ली है। अब इसको हम पीस लेते हैं। तो इसको मिक्सर में डालिए या फिर आप सिलबट्टे पे किसी पे भी पीस सकती हैं, और इसको थोड़ा मोटा पीसा जाएगा। अब हम इस दाल में 4 से 5 लहसुन की कलियां डालेंगे, क्योंकि जब हम इसको पीसेंगे तो इसी के साथ तो 4 से 5 कलियां आप डाल लीजिए लहसुन की बड़ी, और 2 अदरक के टुकड़े हैं ये डाल लेंगे, और इसमें हम 6 से 7 लाल मिर्च डालेंगे। ये हरी मिर्च है जो बाहर रखने से सूख जाती हैं, तो ये डाल लेंगे, और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। तो इसमें हम 1/2 चम्मच ज़ीरा डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस अब हम इसको पीस लेंगे। तो ये हम पीस चुके हैं और ये थोड़ा दरबरा होगा, ये देखिए मसाले हैं सारे। अब इसमें हम थोड़ी सी हींग मिक्स करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम नमक डालते हैं, मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1/4 नमक हम डालेंगे इसमें। इसमें 2 चुटकी हम हींग डालेंगे। बस अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमने स्टीम पे 1 गिलास पानी डाल के कढ़ाई में रखा हुआ है। अब हम इसमें एक छलनी को रखते हैं। ये छलनी को हमने हल्के से तेल से ग्रीस कर लिया है, ये देखिए हल्का सा ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें मूंग की पकौड़ियाँ इसमें मतलब मंगौड़ी को इसी में डालेंगे। ये मंगौड़ियों में हमने थोड़ी सी हरी धनिया डाल दी है, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। धनिया भी मिक्स हो गई है, अब हम इसको स्टीम करते हैं उसी छलनी में डालकर, छोटी छोटी डालेंगे। तो ये देखिए स्टीम अच्छे से बन गई है, हमें बस छोटी छोटी सी बनानी है। देखिए इस टाइप से हमें छोटी छोटी तैयार करना है, ये देखिए इसी तरह से छोटी छोटी बनाकर हमें डालना है। इसी तरह से हमको बस थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा भरना नहीं है, और इसको किसी भी प्लेट से ढक देंगे ताकि अच्छे से स्टीम हो जाए। ये इस तरह से हम प्लेट को कवर कर देंगे और उसको 5 से 6 मिनट तक का स्टीम देंगे। तो हम 5 मिनट के बाद चेक करते हैं इसका। ये देखिए तो ये अभी कुछ हुई है कुछ नहीं हुई है, ये भाप निकल रही है, तो उसको फिर कवर कर देते हैं 5 मिनट और भाप होने देंगे। 5 मिनट और हो गए, यानी कि 10 मिनट हो चुके हैं। तो हम इनको हल्के हाथों से अब हम पलट देंगे इस तरह से, चाकू की मदद से इसको हल्का सा पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ भी आराम से ये हो जाए। तो इसको बस हमें घुमा देना है इस तरह से, ये देखिए सब धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से इनको पलटना है। ये देखिए इजीली ये निकल जाएंगी क्योंकि इसमें ऑयल लगा हुआ है, तो ये पलट जाएंगी इस तरह से, हमको सारे पलटना है।
तो इसी तरह से पूरी पलटना है। इनको पलट के थोड़ा साइड में कर देना है और हम दूसरी डालेंगे इसी तरह से छोटी छोटी सी, ये और डाल देंगे। इसी के साथ दूसरी भी होती रहेंगी। देखिए ये इसका कलर चेंज हो गया है पकने के बाद। अब ये इसी तरह से ये भी हो जाएंगी, वो बाकी जो हैं हो गई हैं कंप्लीट। तो इस तरह से इसको भी स्टीम दे लेंगे। ये देखिए दूसरी भी तैयार हो चुकी हैं, बस हमें गैस को ऑफ कर देना है क्योंकि ये भी स्टीम हो गई। देखिए इजीली ये भी निकली जा रही हैं, तो इनको भी बाहर करते हैं और गैस को बंद करके हम कवर कर देंगे। जो बची भी हैं वो भी हो जाएंगी। तो ये देखिए स्टीम हो चुकी है और अच्छे से हो गई है। देखिए ये सॉफ्टली कड़ापन आ गया है, तो इसका देखिए कलर भी चेंज हो चुका है। इसकी हम सब्जी बनाएंगे। अब दूसरा तरीका है जो प्याज डाल के हम उसको फ्राई करेंगे। तो देखिए कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल डाला हुआ है और अब हम इसमें फ्राई करते हैं वो पकौड़ियों को। तो हम इसमें 8 से 10 दाने मेथी के डालेंगे। तो मेथी हमारी हो चुकी है, अब इसमें हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। दो मिनट के बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे 1/4। अब हम इसमें मिर्ची डालेंगे 2 चम्मच, क्योंकि ये छोटा चम्मच है तो ये कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1 स्पून हम धनिया डालेंगे इसमें, 1 बड़ा टमाटर बारीक चॉप्ड हम डालेंगे इसमें। जल्दी से ये टमाटर गल जाए तो हम इसके लिए नमक डालते हैं। तो ये आपकी भंगौड़ी में भी अंदर नमक पड़ा हुआ है, उस हिसाब से हमें नमक डालना है। तो हमने 1/4 हिस्सा नमक डालना है, आधे से थोड़ा सा कम है। इस ग्रेवी को और रिच बनाने के लिए हम 1 चम्मच इसमें दही डालेंगे फेटा हुआ। तो मसाला भूनते हुए हमको कम से कम 4 से 5 मिनट हो चुका है। ये देखिए तेल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें ये मंगौलियाँ जो स्टील की हुई है वो डाल देंगे और इसको मसाले के साथ थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इससे मसाला अच्छे से कोट हो जाए। एक मिनट मसाले में डालने के बाद ये मंगौलियों को हम 1 गिलास पानी इसमें डालेंगे, क्योंकि ये पानी बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। तो 1/2 गिलास और हम डालेंगे इसमें, ये 1/2 गिलास और डालेंगे। अब इसको हम पकने देंगे कम से कम 4 से 5 मिनट तक। इसको पकते हुए 1 मिनट हो गया है, तो अब इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला जो कि होममेड है वो हम डालते हैं और गैस को ऑफ कर देंगे। ये देखिए तैयार हो चुकी है हमारी सब्जी। इसको हमने एक भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये इसको हरी धनिया से गार्निश कर लिया है। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।